जहाँ मार्केट में जाओ, किसी भी जगह में जाओ, तो सब बंद मिल रहा है। हर दुकानें सारे बंद, शॉपिंग मॉल सारे बंद, तो हम लोग कहाँ से खरीदें। बात ये है कि हम शॉपिंग के लिए बाहर तो आए हुए, लेकिन सारी दुकानें बंद मिल रहा है। जहाँ मार्केट में जाओ, किसी भी जगह में जाओ, तो सब बंद मिल रहा है। बात ये है कि ईद तक जो है ना बंदों को, अब पूरा साल हम लोगों ने जो कमाए हुए इसी ईद के लिए ही कमाए हुए, इसी दिन के लिए कमाए हुए, कि इज्जत छुपे रहे बंदे की। अब जब दुकान बंद है तो कहाँ से लेंगे? अभी आप कैंड में दिलाएंगे, ताने में दिलाएंगे, कहाँ भी दिलाएंगे, दुकानों पर ही मिलती रही थी ये चीज़ें। हम तो बलूचिस्तान के जोब शहर से आए हुए, तकरीबन 3-4 दिन हो गए। बाकी जो चीज़ हमें चाहिए वो दुकानें बंद है, और जो हमें नहीं चाहिए जो रोडों पर मिल रहे वो तो हम जाहिर सी बात है, बंदे को पूरा साल जो बंदा कमाता है वो तो इसी दिन के लिए कमाता है कि कुछ महंगा ले लो, कुछ अच्छा ले लो। खरीदारी किया? कुछ भी नहीं खरीदारी की। जो टेलर को कपड़े दिए हुए वही टेलर के कपड़े, बाकी बाद में कुछ भी नहीं है। अभी चप्पल के लिए बाहर निकले, देखो आप, रश तो मिल रहा है लेकिन दुकानें बंद है। जब यहाँ रोड पे रश है, कोरोना नहीं है, तो अंदर दुकानों पे किस चीज़ है? कोरोना सिर्फ अंदर दुकानों में घुस रही है। हम हुकूमत के सिर्फ ये पैगाम देंगे कि आप ईद तक जो है ना थोड़ा नरमी लाओ उसमें, लॉकडाउन में। बाकी बात ये ईद के बाद फिर यही लॉकडाउन लगाओ पूरा साल, जब लोगों का ज़ाया हुआ है, बच्चों के स्कूल का जो फ्यूचर है वो ज़ाया हो रहा है। अब उनको बिगड़ थोड़ी है हुकूमत को। बात ये हुकूमत से ये अपील है कि ईद तक सिर्फ दुकानें खोल दे, ये चप्पल जो ज़रूरियात है बंदों की। अब देखो सही है, परचून और ये दूध वाले सब्ज़ी वाले तो हमारी ज़रूरियात, रोज़ाना की ज़रूरत है, लेकिन बात ये भी ज़रूरत है ईद तक सिर्फ ज़रूरत है। ईद के बाद फिर बार बंदा जो है ना अपने काम पर होगा, अपने ऑफिस में होगा, अपने घर पर होगा, फिर हर बंदे का अलग अलग काम है। जी हाँ, शॉपिंग करने आए और यहाँ पे लॉकडाउन है, क्या कहेंगे? यार भाई जान, यहाँ पे लॉकडाउन है, सब दुकानें बंद है, हम गरीब आदमी है, चप्पल वप्पल खरीदेंगे ना? बाकी तो ये अफसर लोग है वो तो जहाँ से भी ढूंढ लेंगे ना, ढूंढ लेंगे। हम तो गरीब बंदे हैं, यहाँ पे आए हुए शॉपिंग करने के लिए, दुकानें सब भी अभी परेशान है, घर भी जा रहे हैं, ईद भी आ रहे हैं ना। अच्छा काम है, सबको आना चाहिए, सब लोगों को ये अपील है कि आ जाओ, बाहर निकलो, दुकानें खोलो, कारोबार खोलो। यहाँ पे लोग बुक्स किधर है? कोरोना भाई जान, कोरोना नहीं है, ये तो दिन में कोरोना है, हफ्ते में 2 दिन कोरोना है, बाकी दिन कोरोना नहीं है। सर हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन बाजार में लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे बच्चों की खरीदारी करने के लिए हम लोग शहर निकले हैं, लेकिन बाजार में लॉकडाउन है, बच्चों का खरीदारी नहीं हो सका, तो हम लोग परेशान है। लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन में नरमी लाया जाए, ताकि हम बच्चों की शॉपिंग कर सकें और ईद हम लोग गुजार सकें। हुकूमत को हम यही पैगाम देंगे कि ईद तक कुछ नरमी लाए और ईद के बाद जो है ना लॉकडाउन कर दे, ताकि ईद जो है ना आवाम खुशी से गुजार सके।